ट्रेनों के दो स्टेशनों के बीच में ट्रेन होने से अब ट्रेनें लेट नहीं होंगी। रेल की लाइनों पर रफ्तार के साथ ट्रेनों की क्षमता भी बढ़ेगी। ट्रेनों के रवाना होने के लिए स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों को आगे वाले टर्न के अगले स्टेशन पर पहुंचने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन के स्टेशन यार्ड से आगे बढ़ते ही पीछे वाले ट्रेन को भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, यानी एक बॉक्स सेक्शन में दो स्टेशनों के बीच एक के पीछे एक गाड़ियां चलेंगी। जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम को लगाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दिया है, जिस पर पूर्वोत्तर रेलवे भी गंभीरता से कार्य कराने के लिए एजेंसी फिक्स करने का कार्य कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर के रास्ते लखनऊ से छपरा तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की लगाने की मंजूरी दी है, जिसके पहले चरण में बाराबंकी गोंडा बस्ती के रास्ते लखनऊ से गोरखपुर के बीच 272 किलोमीटर रेल लाइन पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत सिग्नल के डबल डिस्टेंस से आगे प्रत्येक एक किलोमीटर पर सिग्नल लगाए जाएंगे। सिग्नल के सहारे ट्रेनें एक के पीछे एक चलती रहेंगी। अगर आने वाले सिग्नल में तकनीकी खराबी आती है तो पीछे चल रही ट्रेनों को भी सूचना मिल जाएगी, जो ट्रेनें जहां हैं वहीं रुक जाएगी। सिग्नल व ट्रेनों की निगरानी करने के लिए गोरखपुर में सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल रूम में CTC स्थापित करने की योजना है। CTC ट्रेनों की निगरानी के साथ खामियों को भी यथाशीघ्र दुरुस्त करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे में अभी भी एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम परंपरागत ही चल रहा है, जिसमें एक ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंच जाने के बाद ही पीछे आने वाली ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है। इस व्यवस्था में बेवजह ट्रेन लेट होती है, खाली रेल लाइन की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। गोरखपुर से लखनऊ के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम का कार्य पूरा हो जाने पर जहाँ रेल लाइन की क्षमता बढ़ जाएगी, वहीं कंट्रोल रूम और स्टेशन मास्टर के बीच कम्युनिकेशन भी कम हो जाएगा और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलने से सिग्नल रिपेयर में भी समय कम लगेगा, जिसके कारण सेफ्टी भी मजबूत होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर से लखनऊ के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का वर्क स्वीकृत किया गया है। इस वर्क के हो जाने से जो लाइन की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ जो ट्रेनों की मॉनिटरिंग है वो और बेहतर तरीके से हो पाएगी। इसके अंतर्गत एक ब्लॉक सेक्शन में नॉर्मली ऑन एन एवरेज हर किलोमीटर पे एक सिग्नल लगाया जाता है। 4 एस्पेक्ट सिग्नल होते हैं, जिसमें रेड सिग्नल अगर मान लीजिए कोई है तो उसके जस्ट पहले का सिग्नल येलो होगा, उसके जस्ट पहले का जो सिग्नल होगा वो डबल येलो होगा, उसके पहले का सिग्नल ग्रीन एस्पेक्ट में रहेगा। ये एक जनरल उसका सीक्वेंस होता है जिससे ट्रेन चलती है। अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ब्लॉक सेक्शन वाइज ट्रेन चलती है कि अगर एक स्टेशन से कोई ट्रेन निकलती है तो जब तक अगले स्टेशन पर वो रिसीव नहीं हो जाती है तब तक दूसरी ट्रेन उस ब्लॉक सेक्शन में नहीं जाती है। लेकिन इस तरह का सिस्टम हो जाने के बाद हर किलोमीटर पे एक सिग्नल रहेगा और सेम ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेनें चल सकेंगी, जिससे सेम ट्रैक स्ट्रक्चर के साथ और सारी व्यवस्थाएं जो वर्तमान में हैं उनके साथ हम अधिक ट्रेनें चला पाएंगे। सर, इसमें एक ये होता है कि नॉर्मली एक ब्लॉक उसमें कितने किलोमीटर का होता है? एक ब्लॉक सेक्शन नॉर्मली एवरेज अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर के आसपास होता है। तो हर किलोमीटर पर जैसा कि मैंने बताया एक सिग्नल पोस्ट लगेगा और 4 एस्पेक्ट सिग्नल होंगे, जिसके माध्यम से हम लोग और ज़्यादा ट्रेनें एक ब्लॉक सेक्शन में एट ए टाइम चला सकते हैं।